मीर कुलखान नसीर चूंकि एक शायर अदीब मुहक्किक तारीख नवीस ट्रांसलेटर सहाफ़ी और एक नामवर सियासतदान थे। वो बलूचिस्तान के पहले कैबिनेट में सीनियर मिनिस्टर बतौर सूबाई वजीर तालीम के भी खिदमत सर अंजाम दिए। सियासत की वजह से उसने जेल के बहुत सारे सहूबतें भी बर्दाश्त किए। पाकिस्तान का ऐसा कोई जेल नहीं था जिस पे मीर गुलखान नसीर जेलोबंद के दिन नहीं गुजारे। उसने कलात, मस्तुंग, कोयटा, हैदराबाद, साईवाल, कराची में जेल के सौगते बर्दाश्त किए और बहसियत एक अदीब शायर उसने अपने तमाम तख्लीकात भी जेलों में तख्लीक किए। मीर गुलखान नसीर ने 23 से ज़ायद किताबें लिखी जिनमें शायरी, तारीख, ट्रांसलेशंस और बहुत दूसरे किताबें शामिल है। इसी तरह 15 से ज़ायद किताबें मीर गुलखान नसीर पे भी लिखी गई जिनमें बलूची, बरावी, पश्तो और अंग्रेजी की किताबें शामिल है। मीर गुलखान नसीर एक ऐसा शायर, एक ऐसा विजनरी इंटेलेक्चुअल, स्कॉलर और पॉलिटिशियन थे जो बहुत दूर का सोचते थे। वो चाहते हैं कि बलूचिस्तान के हवाम एक खुशहाल जिंदगी गुजार सके, बलूचिस्तान के बच्चे इल्म व ज़ान के तालीम हासिल कर सके और खासकर उसने बलूचिस्तान में बलूची जुबान व अदब की बहुत खिदमत की। अगर ये कहा जाए कि मीर गुलखान नसीर ने बलूची शायरी को फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचाया तो बेजाना होगा। मीर गुलखान नसीर एक विजनरी इंटेलेक्चुअल और राइटर होने के साथ एक सियासतदान भी थे और उसका कोई बेटा नहीं था, क्योंकि मैंने उसके दोनों बेटियों का इंटरव्यू किया। पहला इंटरव्यू मैंने गौर मलिक साहिबा का किया था और उसके बाद मैंने दूसरा इंटरव्यू ग्वार गुलबानों का किया था। तो गौर मलिक ने अपने इंटरव्यू में मुझे कहा कि मीर गुलखान नसीर चूंकि उसका कोई बेटा नहीं था तो अक्सर रिश्तेदार और लोग कहते थे कि मीर साहब आपका कोई बेटा नहीं है तो आप दूसरा शादी कर ले ताकि अल्लाह आपको बेटा अता फरमाए। तो उस अक्सर लोगों से कहा करता था कि बलूचिस्तान के तमाम बेटे, बलूचिस्तान के तमाम फर्जंद मेरे बेटे हैं, मेरे फर्जंद हैं। इसी तरह एक और लतीफा, क्योंकि मीर गुलखान नसीर को शायरी से भी बहुत शौक था और साथ तो शिकार भी खेलते थे। एक दफा नुश्की में वो शिकार खेलने गए तो गौर मलिक कहती है तो देखा वालिद साहब ने बहुत सारा बट
चादर में लपेटा हुआ आ रहा है। तो हम खुश हुए कि आज बाबा ने ढेर सारी शिकार की है। जब आए वो अपना जो चादर था उसने जमीन पर रख दिया। जब हमने खोला तो देखा सारा पत्थर से भरा पड़ा है। तो उससे पूछा गया कि ये आपने पत्थर क्यों लाए? तो मीर साहब ने जवाब दिया कि आज मैं कलम और कापी भूल गया था और मेरे शायरी के फरिश्ते आ गए थे, तो मेरे साथ और चारा नहीं था। मैंने इन पत्थरों पे अपने अशार लिखे, अब इसके बाद मैं जाके कापी पे लिखूंगा। तो साथ उसने ये भी कहा कि मैं अभी जी नहीं चाहता ये परिंदों को मार दूं। आप लोग किसी से नहीं कहे क्योंकि वो भी जान रखते हैं। मीरगुल खान एक वसीउ नजर, एक विजनरी, दानिश्वर, शायर, अदीब थे। 2014 में जब उसके 100 साल पूरे हो रहे थे तो बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर अब्दुल मलिक बलूच थे, तो उसने 2014 को मीरगुल खान नसीर के नाम से मंसूब किया। पूरा साल ये मीरगुल खान नसीर के नाम से मंसूब किया और उसने इस सिलसिले में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मुनक़द करवाया क्वेटा के सरीना होटल में। उससे लोकल सतह पर सूबे से, पूरे मुल्क से और इंटरनेशनली तौर पे 15 ममालिक से उन्होंने शायर, अदीब और स्कॉलर और राइटर्स को इनवाइट किया। उन्होंने मीरगुल खान नसीर की शायरी, खिदमात, फन, शख्सियत, सियासत पे मकाले पढ़े। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि डॉक्टर मलिक ने तो बहुत सारा खिदमत किया और बुलाया, लेकिन कल्चर डिपार्टमेंट ने आज तक वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की किताबों को नहीं छापा, क्योंकि बहुत सारा मवाद इकट्ठा हो गया था मीरगुल खान नसीर के फन और शख्सियत और खिदमात के बारे में, सूबाई सतह पर, नेशनल सतह पर, कौमी सतह पर। और डॉक्टर मलिक ने 2 करोड़ दिए थे, 1 करोड़ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए और 1 करोड़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कि मीरगुल खान नसीर के बारे में 2014 में मुल्क के तमाम शहरों में, बलूचिस्तान के तमाम शहरों में सेमिनार मुनक़द किए जाए, और 20 लाख उस किताब के लिए दिए थे कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के जो जितने मकाले पढ़े जाएंगे उनकी किताब छापी जाए। लेकिन अफसोस सद अफसोस कि कल्चर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने वो किताबें आज तक नहीं छापी, पैसा होने के बावजूद नहीं छापी। एक बड़ा ज्यादती है, बड़ा नाइंसाफी है। वो किताब हर सूरत में छापना चाहिए था कि उसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल स्कॉलर्स शामिल थे। वो एक बड़ा जखीरा था और मेरा हप्पी रिक्वेस्ट है कि वो पैसे पड़े हुए हैं कल्चर डिपार्टमेंट के अकाउंट में, वो किताब शाया किए जाए। मैंने मीरगुल खान नसीर पे अपनी तवसत के मुताबिक काम किया है। मीरगुल खान नसीर का एक किताब माफा वतन दीवाना के मैं और मेरा दोस्त ताहिर हकीम ने इसको कंपाइल किया और 2014 में छापी। ये बलूची जुबान में है और इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स मीरगुल खान नसीर की बारे में है छपे हैं। इसके अलावा मीरगुल खान नसीर जिंदगी और फन के बारे में मैं और ताहिर हकीम ने एक और किताब उर्दू जुबान में 2014 में शाया की। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट किताब है मीरगुल खान नसीर से मुतालिक। पिछले साल मीरगुल खान नसीर से मुतालिक अंग्रेजी जुबान में मैंने किताब ट्रांसलेट करके मीरगुल खान नसीर अ विजनरी पोएट एंड डेडिकेटेड नेशनलिस्ट एंड ह्यूमनिस्ट के नाम से शाया किया, ताकि मीरगुल खान नसीर को
बैन अल्कवामी तौर पर इंटरनेशनल सतह पर पढ़ा जाए और समझा जाए, क्योंकि एक शायर, एक अदीब बेशक दुनिया के किसी मुल्क किसी कौम में पैदा हो, लेकिन उसका सोच फिक्र पूरी दुनिया के लिए होता है। उसके विजन से, उसके सोच से, उसके अशार से पूरा दुनिया इस्तिफादा करना चाहता है। जिस तरह के रूमी को हम पढ़ते हैं, बल्कि दुनिया के तमाम जुबानों में इसका तर्जुमा हो चुका है, हम चाहते हैं कि मीरगुल खान नसीर का भी तर्जुमा दुनिया की तमाम जुबानों में हो। मेरी आखिर में रिक्वेस्ट ये है कि गुल खान नसीर एक सोच और फिक का नाम था, एक विजन का नाम था, और उसने अपने पूरी जिंदगी बलूची जुबान अदब सकाफत की खिदमत की, बहसियत सियासतदान अपनी उम्र की बड़ा हिस्सा उसने जेलों में गुजारे। तो हमें चाहिए कि उसने हमारे लिए बहुत सारी किताबें शायरी में नसर में छोड़ी है। हमें चाहिए कि हम उसकी किताबों को पढ़े, हम उसकी किताबों को दूसरे जुबानों में ट्रांसलेट करें, ताकि मीरगुल खान नसीर का जो प्रोग्रेसिव तरक्की पसंद और नेशनलिस्टिक सोचो फिक्र था, ताकि वो दुनिया के कोने कोने तक पहुंच सके, और इससे न सिर्फ बलूचिस्तान पाकिस्तान बल्कि दुनिया के तमाम अक़वाम इससे इस्तिफादा हासिल कर सके।